जी हम आज आए थे केटीएम पे शोरूम पे। और सर जी आज तो भाई चलान कट गया हम लोगों का, गाइस चलान कटवा के कैसा लग रहा है? गाइस बहुत अच्छा लग रहा है। देखो बेटा इतना ज्यादा ही है ठीक, तो आप अपने सब चीज सोच लिए, आप इतना नहीं कर पाएंगे। नहीं तो कह रहे हैं वही तो, आप पूरा फान दे दीजिए। तो भाई सब लोगों ने आर्मी कलर ड्रेस बनवाई, हम लोग निगोई से आए हुए अंकल जी, तो हम अगर यहाँ बनवाए तो फिर आपसे लेने आए तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो देखो भाई अब धमाकेदार होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। अभी वर्दी नहीं पहनी है आज, मस्त लग रहा है। सर जी आज तो भाई चलान कट गया हम लोगों का, गाइस मैंने बोला था ना इनको, इनको बोला था ना मैंने, और पागल देख नहीं रहा कि पुलिस वाले खड़े तो रोक के मुड़ा अरे तुम पगला रहे हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा कि पुलिस वाले को भाई मेरा चलान तो कट गया। आपने बोला क्या? नहीं कटा, नहीं कटा ना, नहीं कटा भाई, छोड़ दिया हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को बोला कि हम आर्मी कंटेंट बनाते हैं, हम लोगों ने बताया सब कुछ बताया कि हम लोग वीडियो बनाते हैं, उसलिए हम लोगों को छोड़ दिया गया है। क्या बताया यार, भाई धक धक से हो रही है, आज हमारी बिल्लो बच गई। मैंने सोचा टेम्पो से जाना पड़ेगा घर पे, बात भी करवाई देते हैं, लेकिन जाने कहती तीन लोग थे यार, अब हमको काम नहीं छोड़। मैंने सोचा टेम्पो से जाना पड़ेगा घर पे। चलो 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 आगे, स्टैंड भाई कसम से ना रिटेल, आज हम थोड़ा सा भाई मिस्टेक बच गए। मैंने इनको बोला था कि भाई हेलमेट वगैरह ले लो वरना हमारे तो जेल लग जाते यार अच्छे से, भाई कसम से ना सच्ची में। अब भाई सिर्फ नंबर लिया, मेरे नाम पे थी अनमोल का विवेक का नंबर लिया, बाकी उसी का सब कुछ किया, पर हम लोग कुछ नहीं हुआ। आज मेरा हैप्पी बर्थडे आपको पता भी है, और क्या ही बताएं, आज हम लोग ना बहुत अच्छी लफड़े में पड़ने वाले थे, पर भाई गॉड ऊपर वाले के पास उन्होंने पता नहीं क्या हम लोगों को फेस देख के हम लोगों को बोल दिया कि भाई आप लोग जाओ, आप बहुत शरीफ दिख रहे हो मेरे को। भाई वार्निंग लग गई है, आगे से ध्यान करके चलना है हमें, अब तो मतलब वार्निंग है 24 घंटे के लिए। चेक दिस रेड लाइट, और गाँव में हमें आज तपस्या करनी पड़ रही है, क्या बताए। ये देखो वैसे चलान कटवा के कैसा लग रहा है? गाइस बहुत अच्छा लग रहा है। भाई अभी स्टॉप 37, अभी रुक रहा है यार, बहुत टाइम है अभी, देखना। ओए भाई अभी थी। भाई तो गलत बात है लोगों को यार, बैठो गो, चलो गो, लेट्स गो, गो भाई गो, आज बहुत मजा आ रहा है कसम से। हाँ फाड़ दे फाड़ दे, तेरी भी फटेगी आगे जा ले जा। कितने सारे थे, एक से एक बड़ा देखो, तीन तीन हमारे लोग ले आज भाई, तो एक से एक बड़े बड़े थे सिपाही, वो क्या बोलते हैं वो कैंडिडेट वगैरह, वही तो यार बहुत लोग बैठे थे, और जो तीन थ्री स्टार थे वही तो, वो क्या बोलते कमिश्नर दरोगा क्या बोलते, वही तो यार थ्री स्टार वाले देख के मेरी और ऐसी ऐसे हो रही, मैं भैया मेरे कुछ करना डाल नहीं, मोटा करता 5,000 के आसपास का करता भाई, कम निकलता क्योंकि डीएल भी नहीं, तो कह दिया ना कि सर कोचिंग जा रहा है वही तो, और वरना 5,000 की फटती आज हमारी भैया। हम लोग ना ऊपर वाली जगह में जाने की कोशिश करेंगे, पहले बार देखते हैं, पता नहीं खुला या नहीं खुला है, बंद है शायद, यहाँ से हट गया है। कौन सी वाली? उनके पास होगी वो दिखाएंगे, हमें केटीएम बाइक चाहिए 125 सीसी, मॉडल के बारे में वो बताएंगी ना, मॉडल सब वो बताएंगी मॉडल के बारे में। क्या मैं मैडम, ये हम आज जाए थे केटीएम पे शोरूम पे, और 36 मत
भाई मेरे 1 लाख का डाउन पेमेंट मांग रहे, 2,32,000 के आसपास का हमारा कैश में बता रहे हैं, 125K यार। मतलब यार कितना इतना ज्यादा कैसे महंगा हो सकता है यार, समझ में नहीं आ रहा है। हम तो उधर गए, अब ये अपना जाने, इन्हें कैसे निकाल लिए ये जाने, भाई ले गया फौजी भाई। माना कि हम लोग रियल में नहीं बन सकते पर हम रियल बना कर उस टाइप से तो बन ही सकते ना। वैसे अभी हम लोग घर पे आ गए अनमोल के, कभी रिलैक्स हो रहे हैं और इन सब कपड़ों को ना दर्जी के पास ले जाना है, बाहर सिलवाना है। तो भाई एक बात बता दूं, जो हमारी यूपी पुलिस है ना वो बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी है। हम लोगों की बात मान ली तो हम लोगों का चालान वगैरह कुछ नहीं हुआ, अच्छी बात है। और हम लोग KTM की बाइक भी देखने गए थे तो मैंने वहाँ पे आपको बता नहीं पाया, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 125 जो CC है, RC 125 CC, उसका प्राइस था 2,32,000 बताया था ना, 2,32,000। और हम लोग अगर कैश में लेते तब 2,32,000 था, और वैसे अगर डाउन पेमेंट करते 1,10,000 डाउन पेमेंट और प्लस जो भी मतलब उनका रेट रहता तो वो हमें 2,50,000 की पड़ती। तो भाई वो सब प्लान कैंसिल, अब हम जल्दी दिल्ली जाने वाले हैं और दिल्ली से ही लाएंगे और भाई से सारा सामान लेके आएंगे। तो फिलहाल के लिए अभी बने रहिए, शाम बहुत दूर है। मैं इस दुनिया से बहुत परेशान हूँ, अगर मैं मर जाऊँ तो क्या होगा? भाई लोग आप लोग समझ रहे होंगे कि केक वेक कटेगा, आज मेरा बर्थडे था, वो सब तो गाइस मैं नहीं करता हूँ, आपको शायद पता होना चाहिए क्योंकि आप मेरे से 4 साल से जुड़े हुए हो और मैं भी आपसे 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं केक वगैरह नहीं काटता हूँ क्योंकि वो मेरी कभी मतलब बचपन में ऐसा हुआ ही नहीं, मेरी बहुत अलग एक कहानी है। कभी अगर हम सक्सेस होंगे तो आपको जरूर बताएंगे इस कहानी के बारे में। तो क्या बताया कि अभी मेरा मन नहीं था ब्लॉग एंड करने का, पर मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग वेट कर रहे हो इसलिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय।